तुम खून दो अजीत, ये जानते हुए भी कि मुझे ब्लड कैंसर है। तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है। क्या मुझे कैंसर नहीं है? हाँ, तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था अजीत। क्यों क्यों झूठ बोला था डॉक्टर, क्यों झूठ बोला था? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, इस वक्त रेखा की जान बचा लो। कैसी हो बेटी? अब कोई खतरा नहीं, किसी कैदी ने अपना खून देकर तुम्हें बचाया। अज्जी, तुमने अपना खून दिया है, अच्छा किया। अब हम दोनों साथ लड़ेंगे। नहीं रेखा, मुझे कैंसर नहीं है। इस डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला था। डॉक्टर, तुम मेरे बाप के दोस्त थे, कौन से चरम का बदला लिया है मुझसे? तो मैं तो आज खत्म कर दूंगा। नहीं दादा, मैं नहीं छोड़ूंगा। रेखा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, अब कोई चरम मुझे अंदर बंद नहीं रख सकती। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, कल कबूतर उड़ेगा। अच्छा, नमस्ते। सर जी, एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। बुलाओ भाई। नमस्ते। क्या है भाई? साहब, ये आपके पास शंकर भगवान की मूर्ति लेके आए हो। हमें कोई भगवान अगवान नहीं चाहिए, हम खुद अपने भगवान हैं। लेकिन साहब, ये कोई ऑर्डिनरी भगवान नहीं है। इस भगवान की मूर्ति के अंदर ये देखिए कैमरा फिट। अच्छा, अगर इसे तिजोरी या अलमारी पर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली काम करना शुरू कर देता है, और तिजोरी खुलने के साथ ही कैमरा चलना शुरू हो जाता है, और जब तक पूरी रील खत्म ना हो जाए शायद कैमरा चलता रहता है, और कैमरे में हर आने वाली की फोटो छप जाती है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम ये मूर्ति रख जाओ, कल आकर हमसे पैसे ले जाना। ओके साहब, थैंक यू। तुम और बिहारी करम सिंह के फ्लैट पर जाओ, और उसकी तिजोरी पर इस तरह की एक मूर्ति रखी होगी, उसमें से फौरन रील निकाल कर ले आओ। बहुत बेहतर। और याद रखो, मुझे हर हालत में वो रील चाहिए। ओके सर जी। आपसे भगवान की मूर्ति मेरी हो गई ना? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी हो गई है, ले जाओ। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये मेरे भैया को छोड़ दें। हाँ हाँ, जरूर छोड़ देंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मूर्ति तो यहाँ नहीं है, अब क्या किया जाए उस्ताद? ठीक है, चलो चल के कह देंगे मूर्ति वहां नहीं है। अबे जानता है, खाली हाथ जाएंगे तो बॉस गोली मार देगा। उस मूर्ति के अंदर एक कैमरा है, कैमरे के रील पुलिस के हाथ आ गई, अजीत की जगह वो पासी पे लटक जाएगा। मगर उस्ताद, अब क्या किया जाए? तुम ऊपर देखो, मैं यहां ढूंढता हूं। इससे पहले कि वो यहां आ जाए, तुम इस मूर्ति को लेकर जल्दी से भाग जाओ। हाँ, जल्दी से, जल्दी से। जल्दी। क्या हुआ? क्या है? दीदी, इस रील को जल्दी छुपा दो, इसे पुलिस को देने से भैया छूट जाएंगे। क्या वो सच कहते हो दीदी? बदमाशी से छीने के लिए मेरे पीछे लगे हैं, इसे जल्दी छुपा दो। अरे बाबा, खाली पीली हॉर्न क्यों मारते हो? देख तो नहीं हो गाड़ी खराब हो गई है? ए भाई, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ। अरे अरे पुलिस वाले साहब, माफ करना, जरा मेरी गाड़ी खराब हो गई है,
धक्का मार दीजिए, थोड़ी अपनी गड्डी है, जरा मार दीजिए। आओ भैया आओ, थोड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा थल्ले होता हूँ। दे रील कहाँ है, नहीं तो तेरी नंगी लाश सड़क पे फेंक दूंगा। मारा, लेकिन रील का कहीं पता नहीं चल रहा है। ढूंढ जल्दी, नहीं तो सर तोड़ दूंगा जूता मार मार के। जूता, जग्गू उस्ताद, रील मिल गई, रील मिल गई जग्गू उस्ताद। नहीं छोड़ूंगा जग्गू, रो मत मेरी बहन, रो मत। जहां तेरे खून की एक बूंद गिरी है, वहां खून का दरिया न बहा दूं तो हमने एक मां का दूध नहीं पिया। मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। रेल मिल गई सेठ जी। मिल गई, शाबाश, तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। जग्गा कहाँ है? ये मालूम नहीं। तो कहाँ है जग्गा? बताओ। बता दो, बता दो। उस्ताद, ये कमबख्त तो जेल में था, यहाँ कैसे? जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। कीजिए उस्ताद, जल्दी से। उस्ताद, आप इससे निपटिए, मैं अभी आया। जग्गा, इस दरवाजे से वही बाहर जाएगा जो जिंदा बचेगा। Yeah.
मतलब हो गया सरकार? जग्गा को मारकर अजीत रेल लेकर भाग गया है। ये कैसे हो सकता है? अजीत को तो फांसी होने वाली है। वो शायद जेल से भाग निकला है। तुम सब लोग उल्लू के पट्टे हो, अभी तक डॉक्टर को नहीं पकड़ सके, अब ये एक नई मुसीबत तुमने हमारे गले डाली है। चलो मेरे साथ। बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटी, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। मेरी खुशियां लूटकर अब कौन सा जाल बिछाने आए हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। बात सुनना तो दूर रहा, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम झूठे हो, मक्कार हो। मैं जैसा भी हूं, तुम्हारा बाप हूं बेटी। बाप? ये कैसे हो सकता है? ये हकीकत है, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। तुम्हें एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब मुझे कैंसर नहीं था तो ये बीमारी के दौरे क्यों पड़ते थे? मैं बताता हूं। अब कौन सी चाल चलने आए हो डॉक्टर? मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, चाहे तो मुझे जान से मार डालो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? तुम्हें दौरे इसलिए पड़ते थे क्योंकि प्रेमचंद चाय में तुम्हें दवा मिलाकर पिलाता था। तुम्हें कैंसर है ये कहने के लिए भी प्रेमचंद ने ही मुझे मजबूर किया था। अब मैं समझा, ये सब उसी की चाल थी। उसी ने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो कमीना जानता था कि मेरे सिवा इस तिजोरी को कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। अजीत, मेरी बेटी प्रेमचंद के पंजे में फंसी है, उसे किसी तरह। मेरी बेटी? तुम्हारी कौन सी बेटी? रेखा। आपकी बेटी? ये सच है। बाकी मैं बताता हूं। मुझ जैसा अकलमंद, तुम जैसे बेवकूफों के सहारे ही जिंदा रहता।